हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय जर्नी विथ यू में। तो आज मैं दूसरी जगह शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने जैसा कि पिछले ब्लॉग में कहा था कि आपको अपने होम टूर कराऊंगी और ख़ुद भी इसे मेमोरी के लिए सेव रखना चाहूँगी। तो ये मैंने अपने हॉल में एंटर किया है और हॉल में एंटर करते के साथ है मेरा सोफ़ा। और यहाँ पे मैंने कुछ शो पीसेस, बुक्स जो भी थे, ये इतनी बड़ी है कि इसमें मतलब बहुत सारा सामान आ जाता था, बहुत सारा शोपीस वगैरह आ जाता था। नीचे मैंने सुडेक बना लिया था, इधर टीवी लगी हुई है और इधर मैंने क्रॉकरीज रखे थे, वो मैं बाद में आपको दिखा दूँगी। और ये रहा, एक साइड में टेबल बना हुआ था, पता नहीं क्यों वो इनबिल्ट ही था। इधर मैंने हॉल में ही रख रखा था अपना ट्रेडमिल। और ये रहा एक गेस्ट रूम। सबकी हालत अभी बहुत ख़राब है क्योंकि हमने कुछ कुछ सामान पैक करना शुरू कर दिया था, कुछ सामान छांटना भी था क्योंकि फालतू का कूड़ा लेकर जाने से दूसरी जगह कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ कुछ सामान निकाल कर छांटना शुरू किया था, इस कारण से ही ये फैल गया है। और लगभग 10 या 15 मिनट में पैकर्स एंड मूवर्स वाले भी पहुँचते ही होंगे। तो उससे पहले मुझसे जितना हो सक वो मैंने समेट के रख दिया है। तो ये आते हैं हम लोग, ये फर्स्ट रूम जो है उसमें हमारे भगवान जी का मंदिर है। इसमें ये चीज़ इस घर में बहुत अच्छा था कि हर चीज़ इनबिल्ट था, मतलब कोई टेंशन ही नहीं थी। हम लोग 1 BHK से मूव करके इसमें आए थे और सारा सामान आराम से एडजस्ट हो गया था। ये हमारा सारा नया कपड़ा है जो कि हम लोग बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। और ऊपर जितना भी आपको दिख रहा है उसमें कुछ में गिफ्ट्स भरे हुए हैं, मतलब वैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, सैनिटाइज़र वगैरह हैं इस टाइप से। और ये हमारी गोदरेज है जो कि बहुत पुरानी है, मेरी शादी से भी पहले की ये गोदरेज है, तो हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है। इसमें भी नए कपड़े भरे हुए हैं, तो इसे हमें या तो पेंट कराना होगा या वॉलपेपर लगाना होगा, वो मैं आगे आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये वाले बैग में मैंने कुछ ज्वेलरी, जो भी मेरे ज्वेलरी थे, पैसे सब रख लिए हैं हटाकर। और ये हमारा रूम से लुक सोफ़ा का और घर का। और ये हमारी किचन, अभी तो मुझे सबसे सही किचन ही लग रहा है फ़िलहाल। तो किचन में खाना लगभग बन चुका है और अब बनानी है बस रोटी। जैसे ही रोशन आएंगे तो रोटी बनेगी और बहुत होगा तो चाय बनेगी, उससे ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं किचन में आज। ओरियो के लिए पानी भी मैंने रख दिया और ये पलंग खुल के तैयार है। और वो जो आपको रेड रेड दिख रही है वो है मेरी शादी की लहंगे की केन केन, इतनी हैवी हो जा रही थी कि मैंने उसे निकाल दिया, फिर भी घेर कम नहीं हुआ है। तो मैंने केन केन हटा दिया था, वो दूसरे लहंगे पे भी यूज हो जाता है इसलिए। तो ये मैंने झाड़ू ला के रखा है कि थोड़ा साफ कर दूंगी। और यहाँ पे रहती थी मेरी क्रॉकरी, जो भी ग्लास हो गए शीशे के या फिर बोन चाइना इस टाइप का जो भी हो गया टूटने फूटने वाली चीज़, वो मैं यहाँ रख देती थी। और ये हर एक रूम से, हर एक मतलब हॉल से, सब जगह से बालकनी निकली हुई थी, सिर्फ किचन छोड़ के हर जगह से, मतलब 5-6 बालकनी थी इसमें। इतनी मतलब खुली खुली थी ना ये घर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई कि हमें जाना पड़ा, तो वो हम आगे ब्लॉग में बात करेंगे कि क्यों हम वहाँ से छोड़कर चले आए। मौका जब भी मिला दोबारा तो हम लोग वहाँ रहने ज़रूर जाएंगे। हमने ऑनर से भी बोला था, वो भी आए थे तो बोल रहे थे क्या कि आप लोगों के साथ अच्छा लगा। तो हम लोगों ने भी यही कहा कि फिर अगर दोबारा मौका मिला तो हम लोग ज़रूर यहाँ रहना चाहेंगे। और ये ओडियो परेशान हो रहा है, उसे हमने बांध दिया है क्योंकि वो सबके पीछे पीछे जा रहा था, बहुत लोग उससे डर रहे थे। और ये मैंने सबके लिए चाय चढ़ाई है, पैकर्स एंड मूवर्स वालों के लिए, और ओडियो सबको भूख रहा है। तो ये लोग आ गए, गद्दा पैक कर चुके हैं, एसी पैक हो रहा है और इससे भी सारा सामान निकल रहा है। ओडियो सब पे गुस्सा कर रहा है, ओडियो सबसे ज़्यादा गुस्सा किया है जब उसका एसी, सोफ़ा और बेड जा रहा था, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बाकी चीज़ों से उसे लेना देना नहीं था, इन तीन चीज़ों से उसे बहुत लेना देना था। तो यहाँ लिफ्ट भी लगी हुई थी तो मूव करना बहुत ही इजी हो गया। और जहाँ हम लोग लिए हैं घर वो ग्राउंड फ्लोर है, तो वहाँ भी आराम से सामान रखा गया, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। क्या कह रहा है? और यो
खोलो खोलो खोलो, सीख गया सीख गया। ऑडियो 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 सीख गया। गिरे हम इसके चक्कर में, हमें चोट लगाया रे कमीना, फट। आ जाओ इधर इधर रहो। उतना देर क्या होगा, रास्ता क्लियर कर लीजिए। फाइनली आधा सामान लगभग चला गया है, आधा में मतलब कुछ लोड हुआ है और कुछ यहीं रखा हुआ है, जैसे कि आधा सोफा लोड हुआ है और आधा रखा हुआ है। तो इस तरीके से अभी कुछ सामान नीचे भी है और कुछ अभी यहाँ भी है, पैक होने के लिए बाकी है। तो लगता है आराम से 5 बज जाएगा। और ऑडियो तो परेशान है, ऑडियो कारण मुझे वहाँ जाना था लेकिन ऑडियो के चलते जा भी नहीं सके स्कूल। ऐसा लग रहा है कि हम इसे हॉस्टल या कहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए ये पूरा परेशान हो रहा है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है घर। अभी मैं गेट के पास आई तो ऑडियो बस शुरू हो गया। तो अभी ये सब लेने बाकी हैं, ये टेबल जाएगा अभी, इधर सारा सामान खाली हो गया है। और एक बार मुझे सारा चेक करना है कि कहाँ क्या है छूटा हुआ और क्या नहीं। ये अभी मैट्रेस यहीं है, एक मैट्रेस गया है और एक यहाँ है। किचन भी लगभग ऊपर से नीचे तक खाली हो गया है। ये सब इनबिल्ट है तो ये नहीं जाएगा। ये फुली फर्निश्ड घर था। तो लगता है लगभग सामान निकल गया है, एक बार बालकनी चेक करनी है मुझे। कुछ नहीं है। और ये देखिए कितनी हवा चल रही है, इतना हवादार घर था ये, पता नहीं वहाँ पे हम लोग नीचे का फ्लोर ले रहे हैं, पता नहीं कैसा रहेगा, देखते हैं वहाँ कैसा हवा। वहाँ भी खिड़की बड़ी बड़ी है, लाइटेड है घर, देखते हैं लेकिन रहने के बाद पता चलता है। इस रूम से भी बेड चला गया है, कुछ कपड़े बचे हुए हैं वो लेने हैं और सारे बल्ब खुलेंगे अभी। बाथरूम में गीजर बचा हुआ है खुलने के लिए, पता नहीं क्यों इससे पानी निकल रहा है, इसलिए उन लोगों ने इसे छोड़ दिया है कि पानी पूरा निकल जाए तो इसे खोलेंगे। ये देखो सब कुछ चला गया, मेरा हेयर ड्रायर यहाँ क्या कर रहा है। बड़ा अजीब सा लग रहा है चेंज करते हुए घर को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह से मतलब मेरा मन भी नहीं लग रहा था, ना भूख लग रही है, हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। घर चेंज करने में कहीं भी करो तो ऐसा लगता ही है। यहाँ सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर भी चेंज करना पड़ गया। तो रीज़न क्या है वो तो मैं बाद में बता दूंगी आप लोगों को। और ये हालत मेरी भी ऐसी बनी हुई है और उनकी भी वही हाल है। फाइनली हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे घर में, नए घर में।
आई होप वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, यहाँ भी सब चीज़ अच्छा अच्छा ही हुआ था, वहाँ भी अच्छा हो, इससे ज़्यादा अच्छा हो। अभी वो लोग एक ट्रिप लेकर गए हैं और दूसरा ट्रिप अभी सामान जाएगा और अब होने जा रहा है, दूसरा लॉट लोड होने जा रहा है। और हम लोगों को सबको भूख लगी थी, ओरियो के लिए भी खाना ऑर्डर किया है और अपने लिए भी हम लोगों ने रोल ऑर्डर किया जो कि हम लोग खा रहे हैं। रोशन नीचे ही हैं, वो अपना रोल भी खा रहे हैं और सामान पैकिंग का भी देख रहे हैं। रोल हम लोगों ने इसलिए मंगाया कि ईजी हो जाएगा थोड़ा खाने में, बाकी देखते हैं रात में कुछ लग तो नहीं रहा है कि कुछ सेट हो पाएगा, तो जो भी हो देखते हैं, खाना बन पाया तो ठीक है, नहीं तो बाहर से खा लेंगे। और ओरियो के लिए भी हम लोगों ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया है तो वो कुछ देर में आ जाएगा। ये लोग अभी वहाँ सामान शिफ्ट कर रहे हैं, तब तक मैं ओरियो को घुमा लाती हूँ, लास्ट टाइम यहाँ घूम लेगा। कल सुबह से फिर से वहीं घूमना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ कैसा जगह है क्या है। ये रहा ओरियो, घूमी घूमी जाएगा। पहले पानी पियो, पानी पियो, इसमें पियो 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 पानी पानी। गुड बॉय, पानी पी लो, गुड बॉय मेरा, पानी पी लो। ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, पूरा एम्प्टी होम का एक टूर दे देती हूँ। ये हमारा सोफ़ा यहाँ लगा हुआ था, यहाँ टीवी, ये बुरी बुरी हालत में, ये इधर हमारा ट्रेडमिल, इधर एक वॉशरूम, बालकनी और ये स्टिकर, ये मैंने लगाया था, मुझे बहुत पसंद था। और ये इधर भी खाली हो गया है, ये रूम भी खाली हो गया है और किचन भी और ये रूम भी, तो सभी खाली हो गए हैं। और ये इधर वॉशरूम से गीजर भी निकल चुका है, लेकिन तार तो यही है, इसको यही मज़ा आता है। ये देखो 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 इसको देखो, उधर ओडियो ओडियो, उधर नहीं, उधर 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 उधर, वहाँ 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 वहाँ, हाँ हाँ हाँ, देखो देखो वहीं है, वहीं है, देखो। किसको देख रहा है ऑडियो? ऑडियो नो नो, आ जाओ, क्या देखता है पता नहीं। ऑडियो की मस्ती तो यूं ही चलती रहेगी, वो कुछ दिन में वहाँ भी सेटल हो जाएगा तो फिर उसे वहाँ भी मन लगने लगेगा। शुरू में थोड़ा उसे अजीब लगेगा, जब हमें लग रहा है तो उसे तो और भी लगेगा, क्योंकि वो समझ में भी नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।